हेलो फ्रेंड्स, अब हम कोरल ड्रॉ X3 में टूल बॉक्स में से रेक्टेंगल टूल के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम टूल बॉक्स में से लेफ्ट क्लिक करके इस ब्लैक बटन पर क्लिक करेंगे। जैसे ही बटन पर क्लिक करेंगे, रेक्टेंगल टूल का फ्लाई आउट ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर फर्स्ट है रेक्टेंगल टूल, इसे सेलेक्ट करने के लिए आप इस पे क्लिक भी कर सकते हैं और F6 भी प्रेस कर सकते हैं। इस पे क्लिक किया, जैसे ही हमने इस पे क्लिक किया तो जो पॉइंटर था वो प्लस के साइन में चेंज हो गया और साथ में एक बॉक्स भी उसके साथ एड हो गया। अब ये इंडिकेट कर रहा है कि हमने रेक्टेंगल टूल को सेलेक्ट किया हुआ है। हम इसको अपने वर्क एरिया पर ड्रॉ कर देंगे, ये ड्रॉ हो जाएगा। अब हम देख रहे हैं कि रेक्टेंगल टूल के चारों साइड्स पे ब्लैक कलर के डॉट्स हैं। ये डॉट्स ये इंडिकेट कर रहे हैं कि ऑब्जेक्ट इस टाइम पर सेलेक्ट है। अगर हम ऑब्जेक्ट को छोटा करना चाहते हैं, किसी भी डॉट के पास हम लेके जाएंगे वो एरो में चेंज हो जाएगा। उसके बाद हम क्लिक करके उसको ड्रैग करके छोटा भी कर सकते हैं, या ड्रैग करके उसको हम बड़ा करना चाहते हैं तो बड़ा भी कर सकते हैं। अगर हम इसको रोटेट करना चाहते हैं तो हम इस एक्स वाले साइन पर क्लिक करेंगे जो कि इसका मिड पॉइंट है। इस पे हमने क्लिक किया, मिड पॉइंट आ जाएगा। और अगर हम रोटेट करना चाहते हैं तो किसी भी साइड पे हम ले जाएंगे और वहां से उसको रोटेट कर देंगे। अगर आप इसे स्क्यू करना चाहते हैं तो इस तरह से भी आप स्क्यू करना चाहते हैं इसको को स्क्यू कर सकते हैं। अब ये सेंटर पॉइंट है, सेंटर पॉइंट जहाँ पर होगा ऑब्जेक्ट वहीं से ही रोटेट होगा। अगर हम इस सेंटर पॉइंट को उठा के यहाँ रख देते हैं तो जब ऑब्जेक्ट को आप मूव करेंगे तो वो वहीं से ही रोटेट होगा, क्योंकि जहाँ पे हमने सेंटर पॉइंट को रखा उसका मिड पॉइंट वही हो गया। अगर आप उसको सेंटर में रखना चाहते हैं तो आप इसको उठा के वापिस सेंटर में भी रख सकते हैं। इसी तरह अगर ऑब्जेक्ट में कलर फिल करना है तो कलर पैलेट से कोई भी कलर पर क्लिक करके हम उसमें कलर फिल कर सकते हैं। अगर हमें लाइन का कलर चेंज करना है तो किसी भी कलर पे रखकर हम राइट क्लिक प्रेस कर देंगे, लाइन कलर चेंज हो जाएगा। इसी तरह से जो लाइन अभी हमें दिख रही है उसको बोलते हैं हम हेयर लाइन। अगर हम हेयर लाइन को थिक करना चाहते हैं तो हम यहाँ जाकर हेयर लाइन को जितना भी थिक करना चाहते हैं, 2.0 PT का मीन्स है पॉइंट, इसी तरह से यहाँ पे 24 पॉइंट कर देंगे तो 24 पॉइंट वो थिक हो जाएगी। अगर हम ऑब्जेक्ट को उठा के किसी दूसरी पोजिशन पे रखना चाहते हैं तो पहले तो हम टूल बॉक्स से पॉइंटर टूल को सिलेक्ट करेंगे, इसको हम पिक टूल भी कह सकते हैं। पिक टूल से क्या होता है कि ऑब्जेक्ट को आप मूव भी करा सकते हो, किसी जगह पे उठा के रख भी सकते हो, या किसी ऑब्जेक्ट को आप सेलेक्ट करना चाहते हो तो आप पिक टूल से सेलेक्ट कर सकते हो। इसी तरह इसका सेकंड ऑप्शन है 3-point रेक्टेंगल टूल। इस पे क्लिक किया, इसमें पहले हमें विड्थ को डिफाइन करना पड़ेगा कि हमें अपने रेक्टेंगल की विड्थ कितनी रखनी है। लाइक मैंने इस ऑब्जेक्ट की लाइन को ड्रॉ कर दिया, मींस मैंने इसकी विड्थ सेट कर दी कि मुझे इसकी विड्थ यहाँ तक चाहिए। उसके बाद हम नीचे की तरफ इसको ड्रैग करेंगे क्लिक को छोड़ के। जैसे हम इसको क्लिक को छोड़ के नीचे की तरफ ड्रैग करते हैं, जैसा भी हम इसको रखना चाहते हैं वैसा रखने के बाद हम उस जगह पे क्लिक कर देंगे तो वो वैसा ही हो जाएगा। इसका मीनिंग ये नहीं है कि आपने एक बार हाइट या विड्थ सेट कर दी तो उसके बाद आप उसे छोटा बड़ा नहीं कर सकते। पिक टूल सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद अगर इसे आप दोबारा से कुछ बड़ा करना चाहते हैं या छोटा करना चाहते हैं तो चेंजेस आप उसमें कर सकते हैं। इसी तरह इसमें भी कलर फिल करने के लिए लेफ्ट क्लिक करेंगे और लाइन कलर चेंज करने के लिए राइट क्लिक। लाइन को थिक करने के लिए यहाँ से हम कोई भी सेलेक्ट कर लेंगे, जितना भी हम थिक करना चाहते हैं लाइन को, लाइन उतनी थिक हो जाएगी। और कोई ऑब्जेक्ट डिलीट करना चाहते हैं तो जिस ऑब्जेक्ट को हम डिलीट करना चाहते हैं उस पर हम क्लिक करके कीबोर्ड से डिलीट की प्रेस करेंगे, वो ऑब्जेक्ट वहां से डिलीट हो जाएगा। अगर हम चाहते हैं कि जो ऑब्जेक्ट हमने बनाया है उसके कॉर्नर राउंडेड करना चाहते हैं तो सबसे पहले हम यहाँ से एक ब्लैंक रेक्टेंगल ड्रॉ कर लेते हैं, इसको हम रिमूव कर देते हैं। अब इस ऑब्जेक्ट के हम चारों साइड्स को राउंडेड करना चाहते हैं। अब हम यहाँ से प्रॉपर्टी बार में जाएंगे, प्रॉपर्टी बार में ये आपको चार बटन दिखेंगे, लेफ्ट रेक्टेंगल कॉर्नर राउंडनेस, इसी तरह से राइट के आपको चार ऑप्शंस दिखेंगे। अगर आप इस पे क्लिक करते हैं, इतना क्लिक करते जाएंगे ना वो राउंडेड होता जाएगा। अगर हम इस बटन पर क्लिक करते हैं तो उतनी राउंडनेस कम होती जाएगी। अगर हम एक का चेंज करेंगे तो चारों साइड जो है इक्वली राउंडनेस होंगी। अगर हम किसी पर्टिकुलर साइड को राउंड करना चाहते हैं तो यहाँ पर एक लॉक का सिंबल है, जब तक इस लॉक के ऊपर क्लिक रहेगा अगर आप किसी एक साइड को चेंज करते हैं तो सारी साइड्स चेंज हो जाएंगी। अगर आप कोई पर्टिकुलर साइड को चेंज करना चाहते हैं तो आप इस लॉक पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद आप जिस साइड को राउंड करना चाहते हैं, अभी हम पहले सारी साइड्स को जीरो कर देते हैं, जीरो एंटर करने के बाद एंटर प्रेस कर देंगे। अगर हम सिर्फ इसी साइड को राउंड करना चाहते हैं तो हम यहाँ पे इसको क्लिक करेंगे तो सिर्फ उसी साइड को राउंडेड करेगा। इसी तरह से अगर हम इस साइड को राउंड करना चाहते हैं तो हम यहाँ पे क्लिक करेंगे, सिर्फ वही साइड राउंडेड हो जाएगी। थैंक यू।